हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज एज एक्सपेक्टेड निफ्टी ने लगभग 355 पॉइंट की रैली दी, लगभग 2.2% अब बंद हुए हम 16,365 पे। और मैंने एक टारगेट दिया था आपको 16,250 और उसके बाद में 16,450 के, तो उसके बीच में हम बंद हुए हैं। और यहाँ जो है तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली शायद आने वाले दिनों में भी शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी निफ्टी कैसा लग रहा है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुके हैं फॉर द वीक, और लगभग 106 पॉइंट गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं फॉर द वीक। ऊपर की तरफ जो है तो 16,440 एक रेजिस्टेंस है जो है लगभग 50 वीक का एवरेज, और उसके ऊपर जो है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है अगर देखते हो तो 17,125 पे जो है लगभग 20 वीक का एवरेज। तो उन एवरेजेस को टेस्ट करने के लिए मार्केट जो है तो शॉर्ट कवरिंग कर सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 16,450 का, उसका हम पार कर लेते हैं तो ये रैली जो है तो एक्सटेंड करेगी 17,125 तक। तो यह देखना है हमें कि ये रैली कहाँ तक जाती है, मगर ये दो टारगेट मुझे दिखाई देते मीडियम टर्म के लिए। और यह जो है तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो मेरी सलाह रहेगी कि शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए और लॉन्ग करने के मौके ढूंढिए यहाँ मार्केट में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में देख सकते हो कि हम दो ही दिनों में लगभग 15,700 से लेकर 16,400 का आज लगभग हमने हाई लगाया है 16,422 का। तो ऑलरेडी हम ये हाई देख चुके हैं 400 प्लस का, और मेरा टारगेट 16,450 का था, तो लगभग वो भी टारगेट इसी दिन आज के ही दिन लगभग अचीव हो चुका है। तो दो ही दिनों में हमने 15,700 से लेकर 16,400 तो ऑलरेडी 700 पॉइंट की रैली हम देख चुके हैं, उसमें कि आज लगभग 350 पॉइंट तो आज ही हमने रैली कर चुके हैं। तो यहाँ जो है तो मैंने कहा था कि शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट में। और ऊपर की तरफ अभी मुझे लगता है कि आवरली चार्ट पे देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड हो सकते हैं। तो आपको कल के लिए जो ट्रेड बनेगा तो आपको मार्केट पे बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है, आपको एंटर करना है मार्केट में 16,300 से लेकर 16,200 के बीच में। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 16,100 के नीचे, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और जो टारगेट बनेंगे आपके, मिनिमम टारगेट रहेगा आपका लगभग 16,650 का। अगर उसको क्रॉस करते तो हम जो पिछले वीक का जो हाई था वो था लगभग 16,825, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकल जाते हैं तो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा लगभग 17,050 का। तो ये ऊपर की तरफ मल्टीपल टारगेट्स है अभी निफ्टी के लिए, मगर यहाँ आपको बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है, स्ट्रेटजी रखनी है, आपको एंटर करना है 16,200 और 16,300 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा 16,100 के नीचे, और आपका जो टारगेट बनेगा, जो मेजर टारगेट बनेगा, अभी नेक्स्ट मेजर टारगेट बनेगा 16,450। ये छोटा टारगेट है, और बड़ा टारगेट जो है तो 16,650 का, या फिर लगभग 680 का पकड़ के चलिए। तो अच्छा खासा आपका रिस्क रिवॉर्ड है, लगभग 100-150 पॉइंट की रिस्क है और लगभग 450 पॉइंट का टारगेट है, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है यहाँ। तो उस तरह से आपको ट्रेड करना है, लॉन्ग साइड पे रहिए, शॉर्ट से निकल जाइए मार्केट से, क्योंकि अगर ये शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट स्क्वीज हुआ तो हम जो है 17,150 तक भी शॉर्ट कवरिंग ये जाते हुए देख सकते हैं, और उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट नहीं रहना है, लॉन्ग के मौके ढूंढने हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी कि आप जो है तो इन द मनी ऑप्शन जो है तो 16,200 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसको डिप्स पे बाय कीजिए। मुझे लगता है कि अगर हम 16,650 या 680 पे जाते हैं तो उस ऑप्शन में हमें 2x टू 2.5x गेंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन जो है तो उसमें से टाइम वैल्यू पूरी निकल जाएगी, और जो बचेगा उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी। तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है तो एज पर मार्केट चलेगी, अगर मार्केट अगर 400-450 पॉइंट बढ़ता है तो वो ऑप्शन भी आपको लगभग 400-450 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ आपको उस ऑप्शन पे फोकस करना है, 16,200 के ऑप्शन पे जो है कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है, उस पे डिप्स पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस सेम रहेगा 16,100 का। तो 16,100 के नीचे
अगर फ्यूचर स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर आपको निकल जाना पड़ेगा। और यहाँ एज एक्सपेक्टेड हमने ओवर सोल्ड रीजन से अभी अच्छा खासा बाउंस बैक दिख रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ हमें मोस्ट ऑफ द हैंड जो है ट्रैप्ड है यहाँ, तो अच्छा खासा शॉर्ट स्क्वीज हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और जैसे हम 16,450 को क्रॉस करेंगे, हो सकता है कि हम 17,150 के भी लेवल जो है तो नेक्स्ट हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे निफ्टी पे। तो यहाँ लॉन्ग रहिए, शॉर्ट्स निकल जाइए, और मोस्टली इन द मनी कॉल ऑप्शन पे फोकस कीजिए विद अ स्ट्रिक स्टॉप लॉस, तो आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जैसे मैंने कहा था, आज अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया होता तो आपको लगभग 360 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका होता। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो लाइव मार्केट में विद सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो मेरी जो प्रीमियम सर्विस है उसे ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।